इसराइली अपोजिशन लीडर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इसराइली अपोजिशन लीडर याइर लपिद ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइल की सलामती की जिम्मेदारी पूरी न करने पर नेतन्याहू फौरी इस्तीफा दें। उन्होंने ईरान के हमले के बाद वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर इसराइली डेटर्स को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम भी लगाया। अपोजिशन लीडर लपिद के बयानात 7 अक्टूबर को हमास के गजा के हमले को रोकने में नाकामी पर इंटेलिजेंस चीफ के इस्तीफे के बाद सामने आए हैं। हमास के इस हमले में 1200 इसराइली हलाक और 240 को यरगमाल बना लिया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।